हाय एवरीवन, आज हम लोग एम एस एक्सेल के अंदर होम मेन्यू के अंदर सेल्स वाला टैब कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से कोई शीट या फिर किस तरह से कोई रो या कॉलम या सेल को हम इंसर्ट कर सकते हैं, किसी सेल रो कॉलम या किसी शीट को डिलीट किस तरह से करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग देखेंगे जो कि सेल और शीट से रिलेटेड होगी। ठीक है, बट एक बार उससे पहले हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने इससे प्रीवियस सेशन में करा था। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करा था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम किसी डेटा के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो किस तरह से अप्लाई होता है। सेम टॉप बॉटम रूल्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं, डेटा बार्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं, और कलर स्केल्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं, एंड आइकन सेट्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ उसका एप्लीकेशन देखा था, हमने उसको मॉडिफाई करना नहीं देखा है। और अगर हमें अपना खुद का कोई नया रूल बनाना है तो वो हम किस किस तरह से बना सकते हैं वो हमने अभी नहीं देखा है। हमने लास्ट सेशन में सिर्फ एक न्यू रूल बना के देखा था, बाकी इसके बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्लियर रूल्स देखा था, क्लियर रूल्स के अंदर हम लोग जो भी रूल्स अप्लाई करेंगे उसको क्लियर किस तरह से करना है पर्टिकुलर शीट के अंदर या फिर पर्टिकुलर सेल्स के अंदर, वो हम लोग अभी तक देख चुके हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो हमारा रह चुका है वो है न्यू रूल्स, बेसिकली न्यू रूल्स को बनाना और उसको अप्लाई करना। न्यू रूल्स के ऊपर मैं बेसिकली आने वाली एक या दो वीडियोस के बाद कुछ असाइनमेंट्स लेके आऊँगा, ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं सेल्स वाला। सेल्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम किस तरह से किसी शीट को या किसी सेल को या किसी रो या किसी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शीट की बात कर लेते हैं कि हम लोग शीट को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। अगर आपको आप एक्सेल के अंदर कोई भी शीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर शीट नंबर 3 आ गया, वो शीट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए इंसर्ट शीट, शीट नंबर 4 आ गया, ये आपकी शीट इंसर्ट हो रही है। सेम अगर आपको अपनी शीट डिलीट करनी है तो उसके लिए आप डिलीट पर जाएंगे और डिलीट शीट पर क्लिक करेंगे, आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कुछ ये तरीके हैं शीट को इंसर्ट और डिलीट करने के। शीट को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट है, शीट को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट प्लस F11 है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा आप शीट को इंसर्ट और डिलीट यहां से भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो आपका शीट का नाम है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और यहां से इंसर्ट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, मूव और कॉपी भी कर सकते हैं, उसका कोड भी व्यू कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं उसको, और उसको टैब का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, उसको हाइड और उसको अनहाइड भी कर सकते हैं, और सारी शीट्स को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली जो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं शीट से रिलेटेड, वो सारे ऑप्शंस आपके पास शीट से रिलेटेड यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। हम लोग जो कवर करेंगे हम लोग यहीं से कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट सेल की तरफ। इंसर्ट सेल क्या होता है कि आपको सेल किस तरह से इंसर्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पर 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, अब आपको 1 और 2 के बीच में कोई एक सेल इंसर्ट करना है। लेट्स कि हमें 2 से ऊपर एक सेल इंसर्ट करना है, तो हम 2 पर जाएंगे और यहाँ इंसर्ट, इंसर्ट सेल्स। ये पूछेगा कि आपको जो सेल इंसर्ट करना है वो उसके डाउन करना है, राइट करना है, एंटायर रो करनी है या एंटायर कॉलम करना है। तो एक एक करके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि शिफ्ट सेल डाउन, ये क्या करेगा, जो सेल इंसर्ट करेगा वो 2 के ऊपर करेगा, 2 को नीचे कर देगा। तो देखिए ये बोल रहा है शिफ्ट सेल डाउन, जो ये हमारा सेल अभी सिलेक्टेड है उसको डाउन कर देगा। आप ओके करोगे, ये उसको डाउन कर देगा और उसके ऊपर एक नया सेल इंसर्ट कर देगा। वैसे ही हम यहाँ देखते हैं इंसर्ट के बाद दोबारा से शिफ्ट सेल राइट, ये क्या करेगा, जो आपका सेल है उसको राइट में कर देगा, बेसिकली जो 2 वाला सेल है उसको राइट में प्लेस कर देगा। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट सेल्स के अंदर एंटायर रो, जब आप एंटायर रो की बात करेंगे तो वो एक एंटायर रो इंसर्ट कर देगा 2 से ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसने एंटायर रो इंसर्ट कर दिया। वैसे ही इंसर्ट सेल्स के अंदर एंटायर कॉलम, अगर आप कॉलम की बात करेंगे तो जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन है, जैसे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन है, तो उससे वो जस्ट लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए इसने कॉलम इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपका है इंसर्ट शीट रोज, तो ये क्या काम करेगा, ये रोज को इंसर्ट करने के लिए होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अब सपोज आपको इस 1 से ऊपर एक रो या कॉलम इंसर्ट करना है, तो पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं रो की। तो आप सिंपल इंसर्ट रो पर टाइप करेंगे, ये इसके ऊपर एक इंसर्ट कर देगा रो। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी कॉलम या रो इंसर्ट करेंगे, तो जब रो इंसर्ट करेंगे तो वो उससे ऊपर लेके आएगा, जब कॉलम इंसर्ट करेंगे तो उसके लेफ्ट में लेके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 4 ऑप्शंस कवर हो गए। सेम एज फॉर डिलीट, जब आप डिलीट सेल्स की बात करेंगे तो वो डिलीट भी कुछ इस तरीके से ही करेगा। अभी मैं यहाँ बात करता हूँ कि हमें सपोज ये जो ब्लैंक यहाँ पर एक रो आ रही है इसको डिलीट करना है, तो हम उस जगह पर हैं जहाँ पर हमें डिलीट करना है, जैसे कि 3rd रो हमें डिलीट करनी है, हम वहाँ पर गए और हम डिलीट शीट रोज। तो देखिए अब जो 3rd रो थी वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है। वैसे अगर हमें कोई कॉलम डिलीट करना है, लेट्स हमें जो ए वाला कॉलम है ये ब्लैंक है, इसको डिलीट करना है, तो डिलीट शीट कॉलम।
तो जिस भी जगह पर आपका सेल सेलेक्टेड रहेगा वो उस पर्टिकुलर सीट, उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को या फिर उस पर्टिकुलर सेल को डिलीट कर देगा। अब लेट्स हमें ये जो हमारा ये वाला सेल है A3, इसको डिलीट करना है। हम यहाँ गए एंड डिलीट सेल्स। जब आप इस पर टाइप करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको क्या डिलीट करना है, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, या फिर आपको अपना जो सेल है वो शिफ्ट करना है लेफ्ट या फिर अप। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो हमारा सेल है वन वाला, वो बेसिकली A3 जो है वो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए आपको लेना होगा शिफ्ट सेल अप। कहने का मतलब ये जो सेल है ये इसको डिलीट कर देगा और ऊपर मूव हो जाएगा, ये देखिए। ओके, अगर आपको ये पूरी की पूरी शीट डिलीट करनी है तो आप यहाँ पर जाएंगे एंड डिलीट शीट पर प्रेस करेंगे। ये बोलेगा कि आपकी जो शीट है परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, आपको इसको कन्फर्म करना है। तो अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट, अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो कैंसिल। हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट टाइप करेंगे। तो आप देखिए जो शीट नंबर 3 थी वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा इंसर्ट और डिलीट ये दोनों हो चुका है। अब हम आगे आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट क्या करेगा, ये आपके सेल का साइज़ जो यहाँ पर इन्होंने मेन्यू दिया हुआ है सेल साइज़, ये आपका जो सेल का साइज़ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। जो आपकी शीट की विजिबिलिटी है उसको हाइड या अनहाइड करेगा और आपकी जो शीट है उसको ऑर्गेनाइज करेगा। देन आपका है प्रोटेक्शन, ये आपकी शीट को प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल साइज़ के अंदर। तो सेल साइज़ जैसा कि नाम से ही दिखा रहा है कि ये आपके सेल के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं रो हाइट। अभी यहाँ बाय डिफॉल्ट 15 है, अगर आप अपने रो के हाइट को यहाँ पर 25 करते हैं तो आप देखिए जो आपका ये सिलेक्शन था ये आपका यहाँ पर 25 दिखा देगा, ठीक है। अगर आपको इसको यहाँ पे कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से जितना भी कम ज़्यादा करना है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप हमने सपोज यहाँ डाला 9 डाल दिया, ओके, तो देखिए वो कम कर देगा उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई कंटेंट है आपका यहाँ पर, ठीक है, आप देखिए हमारा एक कंटेंट है यहाँ पर। अब हमें इसको ऑटो फिट करना है। आपको नहीं मालूम कि आपकी जो रो की हाइट है वो क्या होगी, तो उस केस में आप इसको करेंगे ऑटो फिट हाइट, तो वो बेसिकली अपने हिसाब से उसको ऑटो फिट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ आपका बेसिकली कॉलम की विड्थ के लिए होता है। देख लेते हैं, आप कॉलम विड्थ में टाइप करेंगे, आपको अभी अभी फिलहाल जो वो 8.43 है, आपको उसको सपोज 15 करना है तो आपने 15 टाइप करा है, ओके, तो देखिए ये इसको 15 कर देगा। आपको कम करना है आप कम कर पाएंगे। अगर आपको नहीं मालूम कि उसके लिए ऑटो फिट कितना साइज है, कितना साइज उसके लिए बेस्ट रहेगा, तो आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है, तो ये अपने अकॉर्डिंग उसको ऑटो फिट कर देगा। अब देखिए ये जो इसने ऑटो फिट करा है 1 के लिए करा है, बट आप देख रहे होंगे जो नीचे मैंने 11 टाइप करा था वो उसके लिए उस पर दिक्कत कर रहा है कि वो उसको ऑटो फिट नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका डेटा होगा, जैसे हमारा ये जो डेटा है, हम इसको पूरे का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ जा करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो देखिए उसने अपने अकॉर्डिंग 11 को भी ऑटो फिट कर दिया। फिर ये वो चूज़ करेगा जो सबके लिए बेस्ट रहेगा, बेसिकली जो सिलेक्टेड पार्ट रहेगा ये उसके अकॉर्डिंग ही डील करता है। अब हम आते हैं डिफॉल्ट विड। डिफॉल्ट विड के अंदर ये पूछेगा कि आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो डिफॉल्ट कितनी होनी चाहिए। जैसे बाय डिफॉल्ट अभी 8.43, अगर आप किसी का भी देखोगे तो वो 8.43 दिखाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से सपोज जो आपकी डिफॉल्ट विड्थ है उसको कटाना है या बढ़ाना है। हम यहाँ कहते हैं कि हमें 15 चाहिए। ये देखिए अभी सभी की जो डिफॉल्ट विड्थ है कॉलम की वो 15 कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको देखना है कि अभी कितनी है तो आपको सिंपली ये जो जॉइंट होता है यहाँ पर आकर के आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है, वो आपको दिखा देगा कि आपका जो विड्थ है वो कितनी है। नेक्स्ट है आपका विजिबिलिटी। आपको अपने बेसिकली सीट की विजिबिलिटी कैसे रखनी है, उसको हाइड करना है, अनहाइड करना है, ठीक है। जैसे हमारी अभी ये शीट है, हम फॉर्मेट में गए और इसको हमें हाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको क्या हाइड करना है, हाइट रो करनी है, कोई कॉलम हाइड करना है, कोई शीट हाइड करनी है, या आपको अपनी कोई शीट कॉलम या फिर रो उसको अनहाइड करना है। तो पहले क्योंकि हमारा कॉलम सिलेक्टेड है और रोज भी सिलेक्टेड है, हम पहले ट्राई करते हैं हाइड रोज। अब देखिए हमारा जो सिलेक्शन है वो 1, 2, 3, 4 पर है। जैसे ही आप हाइड रो पर टाइप करेंगे ये आपका जो 1, 2, 3, 4 था देखिए उसको उसने हाइड कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमें इसको अनहाइड कैसे करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो सिलेक्शन कर रखा है वो 1, 2, 3, 4 इन सीट्स का, इन रोज का कर रखा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इस टाइम पूरी शीट का सिलेक्शन करना होगा और फॉर्मेट के अंदर जा करके और अनहाइड रोज। तो अब देखिए ये जो 1, 2, 3, 4 था ये अनहाइड हो गया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 का सिलेक्शन कर लिया था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था पूरी शीट को सिलेक्ट करने के अलावा। अब मानते हैं कि मुझे सिर्फ अपनी जो रो नंबर 2 है सिर्फ उसको हाइड करना है, तो हम यहाँ पर गए एंड देन हाइड रो। तो आप देखिए इसने सिर्फ 2 को हाइड कराया, यहाँ पर एक बहुत हल्का सा मार्जिन आ रहा है। अब अगर आपको यहाँ पे इसको अनहाइड करना है तो आपको सिंपली एक उसके ऊपर का और एक उसके नीचे का लेना है, कुछ इस तरह से, एक ऊपर का और एक नीचे का। अब क्योंकि मैंने 1, 2, 3, 4 पहले इकट्ठे ही ले लेते तो मेरे पास ऊपर का सिलेक्शन करने का कोई ऑप्शन था नहीं,
तो इसलिए मुझे पूरी शीट का सिलेक्शन करना पड़ा। अब क्योंकि मेरे पास है तो हम सिंपल यहाँ पर एक ऊपर का और एक नीचे का कलेक्ट करेंगे सिलेक्शन। अब हमें इसे अनहाइड करना है, तो आपको सिंपली जाना है फॉर्मेट में और हाइड एंड हाइड के अंदर अनहाइड रोज। तो आप देखिए आपकी जो रो है उसको अनहाइड कर रहा है। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये है कि अगर आपको फॉर्मेट में नहीं जाना है तो आपको सिंपली ये दोनों रोज अपनी सेलेक्ट करनी है पूरी की पूरी, ठीक है, और आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और अनहाइड, वो तब भी उसको अनहाइड कर देगा। अब अगर हमें किसी कॉलम को हाइड या अनहाइड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जिस जगह पर हैं वहाँ गए, जिस भी कॉलम को आपको हाइड करना है आप सिंपली यहाँ जाएंगे और हाइड कॉलम। अब जैसे कि हम लोग कॉलम नंबर ए पर हैं, हम उसको हाइड करना है, आप सिंपली यहाँ पर हाइड कॉलम्स पर टाइप करेंगे, देखिए वो हाइड हो गया। आपको उसको वापस लेके आना है तो आपको इस बार दोबारा से पूरी शीट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। रीज़न बिंग कि हमने जो सिलेक्शन कर लिया है ए कॉलम, वो हम उसको अभी यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसी को हाइड कर दिया। आप शीट का सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट में जाइए, पूरी शीट का सिलेक्शन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर बस एक सिंपल टाइप करना है फॉर्मेट पे हाइड एंड हाइड और अनहाइड कॉलम्स। देखिए ये कॉलम आपका अनहाइड हो गया। वहीं अगर मेरे को मान के चलिए कि अपना कॉलम नंबर बी हाइड करना होता तो हमें सिंपली यहाँ पर थे फॉर्मेट में जाना है और हाइड एंड हाइड के अंदर हाइड कॉलम्स, कॉलम नंबर बी हाइड हो गया है। अब हम इसको अनहाइड करेंगे तो सिंपली इन दोनों कॉलम्स का सिलेक्शन करना है, या तो आप यहाँ से जाके कर लीजिए उसको अनहाइड, और या फिर इन दोनों कॉलम का पूरा पूरा सिलेक्शन करिए। ये देख लोगे जो एरो आ रहा है, इस एरो आने के बाद एक आगे और एक पीछे का सिलेक्शन करिए और राइट क्लिक करके उसको अनहाइड कर दीजिए, वो अनहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाइड एंड हाइड के बाद अगर आपको अपनी पूरी की पूरी शीट ही हाइड करनी है, तो जैसे हम लोग अभी शीट नंबर टू पे, हमें इसको हाइड करना है तो हम किसी भी एक सेल का सिलेक्शन करेंगे और हाइड शीट पे टाइप करेंगे। तो आप देखिएगा आपकी शीट नंबर टू थी वो हाइड हो चुकी है। हमें उसको वापस अनहाइड करना है तो आपको सिंपली यहाँ जाना है एंड अनहाइड शीट। ये पूछेगा कि आपको कौन सी शीट अनहाइड करनी है, अगर आपने एक से ज़्यादा कर रखी है तो भी, अगर नहीं कर रखी तो भी, तो आपको सिंपली इसको बताना है कि मेरे को शीट नंबर टू अनहाइड करनी है। शीट नंबर टू का सिलेक्शन करा और ओके, ये देखिए आपकी शीट नंबर टू वापस आ गई, करेक्ट है। इस तरीके से हमारा हाइड एंड हाइड का भी पार्ट कवर हो चुका है। इसके अंदर हम लोगों ने कॉलम, रो या फिर किसी शीट को हाइड और अनहाइड करना सीखा है। उसके बाद हम आगे आते हैं ऑर्गेनाइज शीट्स के अंदर, जिसमें आप अपनी शीट को रीनेम करेंगे, किसी शीट को मूव करेंगे या उस शीट का कॉपी करेंगे। जो हमारी शीट नेम का जो टैब है, बेसिकली टैब हम इसको बोलेंगे, जैसे हमारी शीट नंबर टू है तो ये जो बॉक्स वाला एरिया आ रहा है इसको टैब बोलते हैं। इसमें अगर हमें कोई कलर फिल आउट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, पहले देख लेते हैं कि शीट को रीनेम कैसे करना है। तो आप जिस भी शीट पर हो, जैसे कि हम लोग शीट नंबर टू पे हैं, सिंपली इस पर टाइप करना है, वो हमें एडिटिंग मोड में दे देगा इसको। अब हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इसको ले लेगा। लेट्स हमने टाइप करा है इसको, कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे 30/4/2020 डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया, उसने यहाँ पर ले लिया। अब चाहे तो आप फॉर्मेट में जाके करिए या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके सिंपली रीनेम कर दीजिए। अब हम शीट को रीनेम करने के बाद अगला देखते हैं फॉर्मेट के अंदर, जो है वो है मूव और कॉपी शीट। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर पाएंगे, अपनी शीट को मूव या फिर कॉपी कर पाएंगे। पहले मूव ऑप्शन देख लेते हैं। मान के चलिए कि जो हमारी शीट है ये 30/4/2020, हमको इसको मूव कराना है सेल नंबर 4 से पहले। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमें सेशन नंबर 4 से पहले ये शीट चाहिए तो हम सेशन नंबर 4 का सिलेक्शन करेंगे। अगर हमें सेशन नंबर 4 के बाद ये शीट चाहिए तो हम उसके बाद जो शीट है, मान के जैसे कि हमारे पास सेशन नंबर 1 बेसिक शीट है, हम इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, मान के चलिए कि हमें सेशन नंबर 5 जो है सेल स्टाइल्स, इसके बाद में हमारी शीट चाहिए, तो इसके बाद चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेशन नंबर 4 नंबर्स वाला है, ये जो शीट है हम इसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ये हमने करा और ओके, तो देखिए ये इससे पहले ले आया। मींस अगर आपको इस शीट के बाद में चाहिए तो आपको ये वाली शीट सिलेक्शन करनी है, और अगर इस शीट से पहले चाहिए तो आपको ये वाली सिलेक्शन करनी पड़ेगी, सॉरी ये वाली, ठीक है। अगर हमें यही सेम शीट कॉपी करनी है तो वापस यहाँ जाएंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपको इस शीट का जो कॉपी करना है वो इसी शीट के अंदर करना है, मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि जो सेशन नंबर 1 बेसिक है उससे पहले ये शीट कॉपी होकर के आ जाए, ठीक है। तो मैंने सेशन नंबर 1 बेसिक लिया और क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर दिया और ओके, तो देखिए सेशन नंबर 1 जो था हमारा बेसिक, उससे पहले ये कॉपी होकर के आ गया है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इस नाम से शीट है तो इसने उसको ब्रैकेट में 2 दे दिया, मीन्स ये कॉपी है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर, हमें शीट को मूव करना है बट इस पर्टिकुलर शीट के अंदर नहीं करना, किसी और शीट में करना है, मीन्स किसी और वर्कबुक में करना है। तो या तो आप उस वर्कबुक को ओपन कर लीजिएगा यहाँ पर,
अगर वो ओपन है तो ठीक है, अगर वो ओपन नहीं है तो हम उसको न्यू वर्कबुक के अंदर भी कॉपी कर सकते हैं। सिंपली आपको क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करना है और ओके टाइप कर देना है। ये देखिए इसने एक बुक टू बोल करके नई वर्कबुक बना दी है और जिसके अंदर हमारे वही सेम सीट आ गई है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, कंट्रोल डब्लू, सेव करने के लिए बोलेगा, डोंट सेव। वापस हम इसी शीट पर आ गए, हम इस जो हमारी एक्स्ट्रा शीट ये बन गई है इसको डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कंफर्म कर देंगे, डिलीट। वापस इसी शीट पर आ जाते हैं। आगे है हमारा टैब कलर, अगर आपको अपने बेसिकली जो टैब है उसका कलर चेंज करना है, ये देखिए ओके, आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसका कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर चेंज करना है, राइट क्लिक करिए, टैब कलर, जो भी आपको कलर देना है वो आप कलर यहाँ पे उसको दे पाएंगे। ओके, ये देखिए वो टैब का कलर जो है उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, वापस नॉर्मल पे लेके आना होगा तो नो कलर पे टैप करेंगे, ये देखिए नो कलर हो गया वो। अगर आपको इन कलर्स में से कोई कलर नहीं मिल रहा है तो आप मोर कलर्स में जा करके अपने अकॉर्डिंग कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल और फॉर्मेट सेल्स। बेसिकली जो फॉर्मेट सेल्स वाला पार्ट है वो सारे आपके ये ऑप्शन हैं, जिसमें हम लोग नंबर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अलाइनमेंट भी कवर कर चुके हैं, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये हम सारे कवर कर चुके हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन वाला रह गया है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटेक्शन वाले पार्ट पे। सिंपली आपको प्रोटेक्ट सीट पे टैप करना है, उसके बाद ये पूछेगा पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट, मैंने यहाँ पे लेट्स 1 2 3 डाल दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है प्रोटेक्ट वर्क सीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल्स। अब इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली हमारी सीट को प्रोटेक्ट तो करेगा बट किस हिसाब से, हम इसको 1 2 3 डाल के हमने इसको ओके टैप करा, ये रिकन्फर्म करने को बोलेगा, हमने 1 2 3 डाल के उसको रिकन्फर्म कर दिया। ठीक है, अब हम इस शीट को सेव करते हैं और इसको बंद कर देते हैं। वापस हम वो शीट ओपन करते हैं, शीट का नाम था सेशन 5, हमने उस पर टैप करा। ठीक है, अब देखिए वो आपकी शीट ओपन हो चुकी है। अब आप इस शीट के ऊपर कुछ भी टाइप करना चाहेंगे वो यहाँ पर टाइप नहीं होगा। ठीक है, आप इस पूरी शीट के अंदर कहीं पर भी कुछ भी टाइप करना चाहेंगे, लेट्स मैं यहाँ पर टाइप करना चाह रहा हूँ, ये देखिए सिलेक्शन हो गया। जैसे ही हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करने के लिए जा रहे हैं, ये कह रहा है कि ये जो शीट है वो प्रोटेक्टेड है, आपको अगर इस पर टाइप करना है तो इसको पहले आपको अनप्रोटेक्ट करना होगा। अनप्रोटेक्ट कहाँ से होगा, फॉर्मेट पर जा कर के अनप्रोटेक्ट सीट, ये मांगेगा पासवर्ड जो कि हमने डाला था 1 2 3, 1 2 3 डाला और ओके कर दिया। अब देखिए अब आप यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। अब मैं आपको इसी में एक चीज़ और बताता हूँ प्रोटेक्ट शीट के अंदर ही। अब मान के चलिए कि हमें अपनी जो शीट है इसको प्रोटेक्ट तो करना है बट हमें पूरा प्रोटेक्ट नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा सेल है उसको मैं फॉर्मेट कर सकूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का सिलेक्शन कर लिया। अब मैंने यहाँ डाला पासवर्ड 1 ओके 1 ओके। अब देखिए अब आप शीट के ऊपर टाइप तो नहीं कर पाएंगे बट अगर आप चाहें तो इसका फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे हमने इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, अनप्रोटेक्ट में जाकर के 1। उसी तरीके से हमारे पास और यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि आप कौन कौन से राइट्स देना चाहते हैं, कौन कौन से राइट्स नहीं देना चाहते, लाइक फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम्स, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट रोज, डिलीट कॉलम्स, इंसर्ट हाइपरलिंक, मीन्स जो भी आप राइट देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक करेंगे ताकि वो राइट ये इसको अलाउ कर सके। एक यहाँ पर और देख लेते हैं, इंसर्ट कॉलम, ओके 1 ओके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप राइट क्लिक करके और यहाँ इंसर्ट के अंदर, तो ये इंसर्ट शीट कॉलम्स वाला तो इनेबल कर रखा बट इंसर्ट शीट रोज वाला इसने अभी भी हाइड कर रखा है। तो कहने का मतलब आप कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं बट आप रोज इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप इंसर्ट शीट कॉलम्स पर टाइप करेंगे तो देखिए वो आपके लिए कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कर रहा है, बट अगर आप वहीं इसको बोलो कि आपको इसको इंसर्ट करना है रोज तो वो रोज इंसर्ट नहीं करेगा। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम प्रोटेक्ट शीट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और उसको राइट्स किस तरह से दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर लॉक सेल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, लॉक सेल्स के अंदर बेसिकली हम क्या सीखेंगे, मान के चलते हैं कि ये हमारी एक शीट है सैलरी शीट, हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर शीट के अंदर जो हमारा डेटा है उसके अंदर अगर कोई कुछ भी टाइप करता है तो वो टाइप ना हो, उसके अलावा अगर कोई टेबल से हमारी अलग टाइप करता है जैसे कि यहाँ पर कुछ भी टाइप करता है तो वो टाइप हो पाए, मीन्स हमें कुछ सेलेक्टेड सेल्स को ही प्रोटेक्ट करना है, पूरी की पूरी शीट को नहीं करना है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी शीट का सिलेक्शन करेंगे इस तरह से, आप यहाँ पर जाएंगे जो प्लस का टैब आ गया है इस पर टैप करेंगे, आप देखिए पूरी की पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो गई है। फॉर्मेट पर जाएंगे आप
और इसको अनलॉक कर देंगे। ठीक है, आप देखिए अभी आप ये जो पहले लॉक था अभी वो अनलॉक हो चुका है। ठीक है, अब जैसे कि हमें सिर्फ इस शीट को ही करना है सिलेक्ट, जितने भी पार्ट को आपको लॉक करना है आप सिर्फ उतने का सिलेक्शन करेंगे। हमारी पूरी अभी हमारी पूरी की पूरी शीट अनलॉक है, उसके बाद हम जितने भी पार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ उतने का ही सिलेक्शन करेंगे और फॉर्मेट में जाके और उसको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे पासवर्ड, हमने यहाँ डाला 1 और 1। अब आप देखिए अगर आप यहाँ पर टाइप करना चाह रहे हैं तो वो मना कर रहा है। हम इस पूरी शीट के अंदर कहीं पर भी टाइप करना चाहेंगे, कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे तो वो मना करेगा। उसको आप डिलीट करने को बोलोगे वो डिलीट नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं हो पाएगी। बट आप जैसे ही उसके अलग आएंगे, जैसे कि हम बाहर आ गए टेबल से अपनी, यहाँ पर देखिए वो सब कुछ करेगा, टाइप भी करेगा, सारा काम करेगा यहाँ पर वो। ठीक है, तो ये हो गया कि हम किस तरह से पर्टिकुलर सेल्स को ही पासवर्ड लगा सकते हैं। और अगर आपको इसको हटाना है तो उसके लिए सेम अनप्रोटेक्ट शीट में जाएंगे आप, यहाँ उसको पासवर्ड डाल के अनप्रोटेक्ट कर देंगे। अब आप कहीं पर कुछ भी टाइप करिए वो ले लेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम पूरी की पूरी शीट को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं या फिर नंबर ऑफ सेल्स को किस तरह से प्रोटेक्ट या फिर अनप्रोटेक्ट करते हैं। अब हमारा सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है फॉर्मेट सेल्स के अंदर, तो हम ये सारे ऑप्शंस कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ एक रह गया है फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स के अंदर अब फॉर्मेट सेल्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन के अंदर लॉक्ड वाला जो पार्ट है वो सारा कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ हिडन वाला एक पार्ट जो है वो रह गया है, इसको अब यूज़ करके देख लेते हैं। तो हिडन वाला पार्ट किस तरह से यूज़ होगा वो देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारा फॉर्मूला बार है, ठीक है ना, ये शो हो रहा है यहाँ पर कि हमने फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई कर रखा है। अब आप ये चाहते हो कि जो हमारा ये फॉर्मूला बार है वो किसी को शो ना हो, ना मालूम किसी को ये ना मालूम चले कि हमने ये फॉर्मूला जो लगाया वो किस तरह से लगाया है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे हमारे सिर्फ इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम इन पर्टिकुलर सेल्स का सिलेक्शन करेंगे और फॉर्मेट में जा करके फॉर्मेट सेल्स के अंदर हम इसको हिडन पे टाइप करके और ओके कर देंगे। उसके बाद हमें फॉर्मेट में जाके और शीट को करना है प्रोटेक्ट, हमने उसको दिया पासवर्ड और कंफर्म करा। अब आप देख रहे होंगे अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो तो फॉर्मूला बार के अंदर वो शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या वैल्यू डाली हुई है। ठीक है, फॉर्मूला बार के अंदर क्या वैल्यू डाली हुई है वो शो कर रहा है। बट अगर आप जैसे ही यहाँ जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने इस पार्ट को हिडन करा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो उसको शो नहीं कर रहा है कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। हिडन जो है वो तभी काम करेगा जब आप अपनी पर्टिकुलर शीट के अंदर प्रोटेक्शन आपने यूज़ करा होगा, मींस प्रोटेक्ट पासवर्ड का यूज़ करा होगा। अगर आपने प्रोटेक्ट पासवर्ड का यूज़ नहीं करा है तो वो जो हिडन फीचर है वो काम नहीं करता। तो इस तरह से हम लोग सेल्स के सारे ऑप्शंस कवर कर चुके हैं। इंसर्ट और डिलीट के अंदर हमने देखा कि किस तरह से किसी सेल, रो, कॉलम या शीट को इंसर्ट और डिलीट करते हैं। देन फॉर्मेट के अंदर किसी रो या कॉलम की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज किस तरह से करते हैं। किसी भी शीट की रो या कॉलम या शीट को पूरी की पूरी हाइट और अनहाइट कैसे करते हैं। शीट को रीनेम कैसे करते हैं, उसको मूव या फिर कॉपी किस तरह से करते हैं। और उसको कलर, जो हमारा बेसिकली शीट नेम होता है उसको कलर किस तरह से देते हैं। उसके बाद अपनी शीट को हम लोग प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं और हम किस किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट राइट्स डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को दे सकते हैं कि हमें किसी को फॉन्ट के लिए अलाउ करना है या कॉलम्स वगैरह इंसर्ट करने के लिए अलाउ करना है, मीन्स हम कितने राइट्स दे सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। उसके अलावा हमने लॉक सेल का यूज़ दिखला कि लॉक सेल का यूज़ क्या होता है। उसके अलावा हमने फॉर्मेट सेल जो विंडो है उसके सारे ऑप्शंस कवर कर लिए हैं, नंबर से लेकर के प्रोटेक्शन तक हमने सारे के सारे ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको नंबर से लेकर के या प्रोटेक्शन तक के बीच में कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी जो हमारी एमएस एक्सेल की प्लेलिस्ट है वहाँ से जा करके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही हम लोग नेक्स्ट हम लोग एडिटिंग कवर करेंगे या फिर कुछ एक आध कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर असाइनमेंट्स कवर कर लेंगे। थैंक यू।